बच गया बिगुल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। जेडीयू कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, जेडीयू नेता विजय चौधरी, जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें हम बात करें सीवान के 4 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी, जिसमें जीरादेई, रघुनाथपुर, बड़हरिया और महराजगंज गई हुई थी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि यहां से किस प्रत्याशी को जेडीयू उतारेगा, उसकी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन आज जेडीयू के द्वारा इसका भी ऐलान कर दिया गया है। अब हम आपको विस्तार से बता दें कि जीरादेई विधानसभा से कमला कुशवाहा को टिकट दिया गया है, रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान को टिकट दिया गया है, वही बड़हरिया की बात करें तो श्याम बहादुर सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, महाराजगंज से हेम नारायण शाह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे पहले इन सीटों पर जो जीरादेई, रघुनाथपुर, बड़हरिया, महाराजगंज की जो सीटें थी, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई थी कि इन सीटों पर क्या बदलाव होता है या वही कैंडिडेट फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन कुछ सीटों पर बदलाव किया गया है और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जीरादेई से कमला कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दिया है, रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है, वही बड़हरिया से सिटिंग विधायक श्याम बहादुर सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे और महाराजगंज से हेम नारायण शाह को पार्टी ने टिकट दिया है। इसका ऐलान आज जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है। यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हैं और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, जेडीयू नेता विजय चौधरी, जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने इन प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ और भी सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें हम आपको सिर्फ सीवान की खबरें बता रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि जीरादेई से कमला कुशवाहा को टिकट दिया गया है जेडीयू के द्वारा, एनडीए की ये उम्मीदवार होंगी, रघुनाथपुर से एनडीए की उम्मीदवार राजेश्वर चौहान को बनाया गया है, बड़हरिया से श्याम बहादुर सिंह चुनाव लड़ेंगे, महाराजगंज से हेम नारायण शाह चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये सभी प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो कि ये जो 4 सीटें थी जेडीयू के खाते में गई हुई थी। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार के द्वारा कमला कुशवाहा को जीरादेई से, रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान को, बड़हरिया से श्याम बहादुर सिंह को, महाराजगंज से हेम नारायण शाह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोग यह भी कयास लगा रहे थे कि रघुनाथपुर की जो सीटें जेडीयू में गई है वहां से अजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह नहीं हुआ। आज अजय सिंह पटना से अपने क्षेत्र में भी आए थे, जहाँ पर लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया था। ऐसा लग रहा था कि रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसका उल्टा ये हुआ कि वहाँ पर राजेश्वर चौहान को पार्टी ने टिकट दे दिया है। यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वही बड़हरिया से श्याम बहादुर सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, हेम नारायण शाह जो कि पहले से विधायक हैं वह महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। जीरादेई में भी कैंडिडेट का चेंज कर दिया गया है, वहाँ पर कमला कुशवाहा को एक बार टिकट दिया गया है। अब यह देखना होगा कि चुनावी मौसम में क्या कुछ करवटें बदलती है। यह सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले लाइव 10 न्यूज पर। अगर से आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।